गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम किरण बटारू, वर्किंग एज असिस्टेंट मिस्ट्रेस एट गवर्नमेंट मिडिल स्मार्ट स्कूल कासिमपुर शिंदा डिस्ट्रिक्ट मानसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल योर क्लासरूम एट होम। हाँ जी बेटा, आप सैप्टेंबर के ही बाई मंथली एग्जाम्स दिते हैं, वो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से ठीक है, तो वो ही एम सी क्यू से। तो हूँ अपना नवंबर दिसंबर के जो एग्जाम होएगा तुहाडा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होएगा जो ठीक है, उहदे लई आपां स्ट्रक्चर की हैगा क्वेश्चन पेपर का वह हुण डिस्कस करांगे, क्योंकि जिहड़ी तुहाडी फाइनल मैरिट बनेगी 8th क्लास की वह तुहाडे फर्स्ट टर्म ते सैकेंड टर्म जो कि फरवरी और मार्च के होएगा ठीक है, वह दोनों टर्म के बेसिस पर ही तुहाडी फाइनल मैरिट बनेगी। तो इसलिए जो तुहाडा एग्जाम नवंबर च होएगा फर्स्ट टर्म का, उहदे लई ध्यान दे नाल तुसीं प्रैपरेशन कर लो ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर की हैगा वो बारे ध्यान देना समझ लो, तो वो अकॉर्डिंग अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट कर दो। एक गल होर बेटा कि अपने इस चैनल पर तो सारा सिलेबस अपना इंग्लिश का और एस एस टी का, बहुत मीडियम्स एस एस टी दे इंग्लिश और पंजाबी तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम चैनल तो प्लेलिस्ट ओपन करके अपने सारे जो चैप्टर है उन्होंने रिविजन कर सकते हो ठीक है। सो चलो आप हम डिस्कस करते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का नवंबर दिसंबर के जो होएगा उदा स्ट्रक्चर ठीक है। हाँ जी, इंस्ट्रक्शंस फॉर टर्म वन। हाँ जी, की इंस्ट्रक्शंस आपां नूं दित्तियां गई हैं। नंबर वन, देयर विल बी टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ वन मार्क ईच। हाँ जी, जिहड़ा हुण अपना क्वेश्चन पेपर होएगा वह 40 मार्क्स का होएगा, तो 40 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होणगे, उहदे विच एम सी क्यूज होणगे जो कि वन वन मार्क्स के होणगे। नंबर टू, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, जिन्हें भी क्वेश्चंस होंगे पेपर दे विच वो सारे ही कंपलसरी है ठीक है। हाँ जी, हुण आपां इहनूं डिटेल दे विच देख लैंदे आ। इधर आ गए तुहाडे क्वेश्चन नंबर, कंटेंट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स ठीक है, तो 40 मार्क्स हो गया तुहाडा टोटल, और सैक्शन ए दे विच की आएगा पहले देख लो, रीडिंग स्किल्स ठीक है, ए आएगी तुहाडी 8 मार्क्स की। इहदे विच होएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 तो लैके 8 तक 2 कंप्रीहेंशन होंगे ठीक है, अनसीन पोस्टर कंप्रीहेंशन होएगा फर्स्टली, और फिर होएगा अनसीन डायलॉग कंप्रीहेंशन ठीक है। 2 टाइप्स के कंप्रीहेंशन आने हैं तुहानू, अनसीन पोस्टर कंप्रीहेंशन ते अनसीन डायलॉग कंप्रीहेंशन, और 4 मार्क्स ईच होंगे ठीक है, टोटल 8 मार्क्स के होंगे। नैक्सट आ गया सैक्शन बी, टैक्सट बुक ठीक है। हूँ अपनी जी टैक्सट बुक हैगी इंग्लिश की, इंग्लिश कंपेनियन ठीक है, उहदे विच्चों 14 मार्क्स का पेपर आएगा, तो क्वेश्चन होणगे 9 तो लैके 14 तक ठीक है, 9 टू 14 क्वेश्चन होणगे, तो ये होणगे तुहाडी टैक्सट बुक दे विच्चों ठीक है। कि चैप्टर दे विच्चों होणगे वो देख लो, फस्ट चैप्टर है वैल्यू ऑफ मनी, सैकेंड द एज्ड मदर, थर्ड सेंट रविदास, एंड फोर्थ द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स ठीक है। ये 4 चैप्टर्स है तुहाडे, एम सी क्यूज आएंगे तुहानू 6 मार्क्स के। नैक्सट 15 to 16, जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होएगा उहदे च की आएगा, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, 2 एम सी क्यूज फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी। हाँ जी, ये भी चैप्टर्स के विच्चों तुहानू वर्ड मीनिंग दिते होणगे जिन्हां दी तुसीं पंजाबी लिखनी आ ठीक है, ये भी 2 मार्क्स दे। दैन 17 to 18 जो क्वेश्चन हैगा, बैक एक्सरसाइजिज फ्रॉम चैप्टर्स एनी 2 एम सी क्यूज आउट ऑफ दीज। तो हुण होणगे तुहाडे जिहड़े 17 और 18 क्वेश्चन होएगा वह जिहड़े चैप्टर्स दे लास्ट दे विच दित्ते होंदे एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइजिज हैगियां उहदे विच्चों होणगे 2 ठीक है। किहदे किहदे विच्चों आ सकदा, हू सैड टू हूम, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन कैरेक्टर, और फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है। इस टाइप दे नाल तुहानू एम सी क्यूज बन के आणगे, तो ये होएगा 2 मार्क्स का। नैक्सट है 19 to 22, ये होएगा पोएम्स दे विच्चों, फर्स्ट पोएम दी हुई है द अर्थ नीड्स यू, एंड सैकेंड है डोंट क्विट ठीक है। 2 पोएम्स हो गई, इन दोनों के विचों तुहानू 2 एम सी क्यूज बेस्ड ऑन स्टैंजा ऑफ पोएम्स, पोएम के विचों स्टैंजा दिते होंगे उसी बेसिस पे तुहानू एम सी क्यूज होंगे ठीक है, एंड 2 एम सी क्यूज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम्स, तो पोएम की अंडरस्टैंडिंग बेस पर भी 2 तुहानू एम सी क्यूज दिते होंगे, टोटल होएगा 4 मार्क्स, पोएम्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ठीक है। इसी सैक्शन बी दे, सैक्शन सी वोकैबलरी, और सैक्शन सी दे विच वोकैबलरी होएगी 2 मार्क्स की होएगी। हाँ जी, 23rd to 24th जिहड़े 2 क्वेश्चन हैगे उहदे च की हो सकदा, वन वर्ड फॉर मैनी, प्रीफिक्सिज एंड सफिक्सिज, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स ठीक है। ए पार्ट के विचों तुहाडे
क्वेश्चन होंगे 23rd से 24th और 2 मार्क्स से होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शंस ट्रांसलेशन ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये होएगा 16 मार्क्स का पेपर, ठीक है। सो 25 टू 26th सब तो पहले होएगी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी 2 मार्क्स। इंग्लिश के सेंटेंसिस दिते होंगे उन्होंने तुसी पंजाबी या हिंदी दे विच ट्रांसलेट करना, ठीक है। और किन्ने तो किन्ने तक आएंगे 1 to 40 दे विचो, दैन ये हो गया 2 मार्क्स। उस तो बाद 27 to 28 ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश, ये जिहड़े सेंटेंसिस होंगे वो है पंजाबी टू इंग्लिश, तुहानूं पंजाबी च दित्ते होंगे तो तुसी उन्हों इंग्लिश ट्रांसलेट करना, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स दे। नैक्सट आ गया 29 to 35, ये की होएगा जी 29 to 35 ग्रामर डू एज डायरेक्टिड एनी 7 MCQs आउट ऑफ दीस, जी 7 मार्क्स के MCQs ग्रामर बेस्ड होंगे और कि टॉपिक्स इनकलूड है ग्रामर के, वो देखो सेंटेंसिस एंड इट्स टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के विचों तुहानूं MCQs होंगे, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स है गया और जिहड़े चैप्टर है चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के विच ही तुहानूं दित्ते हुए आ, ठीक है, तो उत्थों तुसीं अपने रिविजन कर सकते हो और ये आएंगे 7 मार्क्स के। दैन 36 to 40 लास्ट के विच तुहाडे जिहड़े 4 क्वेश्चनस MCQs है गया वो कंपोजिशन पार्ट हैगा, एनी 5 MCQs आउट ऑफ दीज, ये तुसीं कोई भी 5 MCQs करने, नोटिस राइटिंग एंड पर्सनल लैटर और एप्लीकेशन, हाँ जी ये थोड़ा MCQs आएंगे 5 मार्क्स के। सो ये अपना इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर जो कि नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग से ही होएगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से ही होएगा जी। सो अपनी प्रैपरेशन बड़ा वधिया तरीके कर लो और तुहानू सारा सिलेबस चैनल पर मिल जाएगा, चैप्टर रीडिंग के नाल ही चैप्टर बेसिस जिहड़ियां एक्टिविटीज़ हैगियां बैक एक्सरसाइज वो भी एक्सप्लेन कीतियां होईयां, उत्थों तुसी सारे अपने चैप्टर्स की रिविजन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इस पेपर नूं हुण बिल्कुल सीरीयसली तुसी अटैम्प्ट करना ते कोशिश करो वध तो वध मार्क्स तुसी इहदे चों लो, तां ही तुसी सैकेंड टर्म दे विच इहदे विचों वधिया मार्क्स लोगे तां सैकेंड टर्म दे विच इहदे विचों ही मार्क्स ऐड हो के तुहाडी फाइनली मैरिट बनी। हाँ जी बेटा, वन मोर थिंग, तो जे तुसी अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पर तुहानूं तुहाडा सारा SST का और इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा और फ्यूचर के विच जो चैप्टर्स रह गए है वो भी तुहानूं इस चैनल पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Take care.